इतना ढूंढ रही हूँ, नजर नहीं आ रहा, जाने कहाँ डाल दिया होगा। हेलो हेलो, हे ग्रेटल, तुम अंदर हो ना? मैं सन, कहाँ हो? सैंडविच चाहिए मुझे, इस समय यहाँ कोई होगा सोचा था, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं काउंटर में ये पैसे रख के एक चिकन सैंडविच खा रहा हूँ, ठीक है ना? ये क्या अचानक करें चला गया? ठीक है, मैं खा लेता हूँ, इतनी लाइट काफी है। ग्रेटल, हाय, कौन हो तुम? अच्छे फंसे मेरे साथ। तुमने मुझे पहचाना होगा, किप्सी डेटन टैम्पर्ड। तुम्हें तो याद होना चाहिए कि तुमने मुझे एक कैस्टर में फंसाया था। 2 हफ्ते तक आईसीयू में रहा मैं और बहुत सफर किया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें वो चांस नहीं दूंगा। क्यों, चाहिए क्या? तुम्हारे अंदर कितनी गर्मी है देखूं क्या? कोई बात नहीं, सहन करने की शक्ति है
ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है ना? प्लीज मुझे क्यों इस तरह सता रहे हो? मुझे सच सच बताओ, उन लड़कियों को कहाँ छुपाया? कैसी लड़कियाँ? वैसे तुम किन लड़कियों के बारे में बातें कर रहे हो? तुम जिन लड़कियों के बारे में बातें करो उन्हें मैं नहीं जानती। मुझे छोड़ दो प्लीज, मेरा भरोसा करो। नहीं, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन तुम औरत जाती नहीं हो। मुझे सच नहीं बताया तो यहीं पे काट दूंगा। मैं फिर कहती हूँ, तुम जिन लड़कियों के बारे में पूछ रहे हो मैं उन्हें नहीं जानती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं चली जाऊंगी। बेवजह समय बर्बाद करने की बजाय जो तुम कर रहे हो उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मेरे हाथ फंस गया, मैंने इंसानियत के नाते पूछा, नहीं बताया। कहाँ तुम लोग? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। मेरा नाम है हैंसल, तुम सबको यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। Gretel, come on, phone उठाओ। हेलो, लाइन दिखाई नहीं दे रही है क्या? अरे ये तो मेरी बहन की बेकरी है। अच्छा ये बात है, ठीक है ठीक है। अरे सुनो, यहाँ डिशेस बहुत अच्छी होती हैं। ये रहा सैंडविच जो आपने मांगा। थैंक यू। चलो खाते हैं। अरे भैया कितनी देर हुए आए? कैसी हो ग्रेटल? ओह माय गॉड, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे। इतने दिनों से तुम कहाँ चले गए थे? फोन तक नहीं किया तुमने। मैंने किया था। आई एम सॉरी, मैं बेकरी में बिजी थी इसलिए तुम्हारा फोन भी अटेंड नहीं कर पाई। सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरी कॉफी अभी तक क्यों नहीं आई? 2 मिनट्स मैन, मैं अभी तुरंत लेकर आती हूँ। हेलो मैडम, एक मिनट रुकिए, वो लेकर आएगी। तुम क्यों लाओगी कॉफी? जोर से मत बोलो, यहाँ सब लोग यही खाते हैं। हैंसल तुम बहुत बदल गए हो, तुमसे जरूरी बात करनी है, रात को खाने पर आ जाना। थैंक यू। okay. आओगे ना? आऊंगा। दादी माँ, हमेशा की तरह तुम्हारा बना हुआ खाना बहुत मजेदार है। तुम्हारा मनपसंद खाना ही बनाया है, आलू और चिकन। दादी माँ खाना बनाकर सब संभाल लेती हैं। मैं डाइट पे हूँ इसलिए सारे खाने का टेस्ट नहीं कर पाती। सॉरी, दादाजी के गुजरने पर भी मैं नहीं आ सका। मैं उस समय बहुत बिजी, मुझे मालूम है।
कुछ काम वाम करते हो या वैसे ही रोड पे घूमते रहते हो? थोड़ी देर चुप रहो। ये क्या दादी मात, तुम मुझे सड़कों पर घूमने वाला बेकार आदमी समझती हो? तुम काम क्या करते हो मुझे कैसे पता लगेगा? कभी फोन करके बताया है क्या? हमें कुछ भी हो तुम्हें क्या लेना देना, हम ही तुम्हारी फिक्र करते हैं। ठीक है, बताता हूँ। आजकल मैं क्या करता हूँ कि खूनी पिशाचों को मार रहा हूँ। क्या कहा? हाँ दादी माँ, कुछ दुष्ट शक्तियाँ मौनी रूप में आकर हमारे चारों ओर घूमती हैं। उन पिशाचनों का पता लगाकर मारना ही मेरा काम है, लोगों को बचाना है। मोहिनी पिशाच मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती क्योंकि उनसे निपटने की शक्तियां मुझे बचा रही हैं। चाहे कुछ भी हो, उन शक्तियों के उपयोग करते हुए उनको समझते हुए आ रहा हूँ। सब दुष्ट आत्माएं खराब होती हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें। तुम सही जवाब दे रही माँ, वो सच्ची आत्मा ही मुझे बचा रही है आजकल। तुम्हारा मतलब क्या है? वो सब छोड़ दादी माँ, मेरा सपना अभी पूरा होने जा रहा है। गुड नाइट दादी माँ। गुड नाइट ग्रेटल। ये क्या दादी माँ अजीब तरह की बातें कर रही हैं? वो बहुत बूढ़ी हो गई ना इसलिए। नहीं, मुझे लगता है कि उनके दिल में जरूर कोई बात है। हमारी शादी नहीं हुई इसलिए वो बहुत परेशान रहती। उन बर्तनों को पहुँच दो। क्या अचानक घर की तरफ आना हुआ? वैसे मसन को क्या हुआ? उनके बारे में तुम्हें क्या पता चला? सुना आजकल दिखाई नहीं दे रहा, और आजकल इस तरह कई लोग दिखाई नहीं दे रहे, इसके बारे में तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो बात बताने के लिए ही मैंने तुम्हें फोन किया था, लेकिन तुमने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तुम बचपन से ही किसी की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। तुम्हें कुछ बताना भी हो तो कैसे बताया जाए? मेसन के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो कोई बच्चा नहीं कि घर से गायब हो जाए। मैं जानती हूँ। हाँ, मेसन को क्या हुआ था मैं जानती हूँ। जब मेसन कहीं दिखाई नहीं दिया तो मैं बेकरी गई थी। जैसे ही दरवाजा खोला मैं आश्चर्य में पड़ गई, पूरी बेकरी खून से लथपथ थी। क्या कहा तुमने? जब मेसन और लिली दिखाई नहीं दिए तो मैंने पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैं अकेली जान भला क्या करती? मेरे साथ कोई नहीं था इसलिए मैंने कंप्लेंट नहीं की। किसी के बारे में मुझसे क्यों क्वेश्चन करते हो? मैं तुम्हें अपना अनुभव बता रहा हूँ लिली, जैसे कितनी पिशाच इधर उधर भटक रही है क्या तुम जानती हो? हाँ, ये सब सोचते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। ग्रेटल, इस समस्या का समाधान निकालना होगा, उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। या कल सुबह हम मैसन के घर जाएंगे। हैंसल, तुम घर आए मुझे बड़ी खुशी हुई। गुड नाइट। अच्छा है। वो यही है लेकिन हमारे हाथ नहीं लग रही। वो हमसे कैसे बचेगी हम देखेंगे। उसका हमें किसी तरह पता लगाना है। पिशाचिनो, तुम चारों हमारे इलाके में आए हो। बूढ़ी हो गई लेकिन अभी भी दम है। ये हमारे काम में बड़ी उपयोगी होगी।
तुम यहाँ क्यों पूजा कर रही हो? ललित के जगह पे जाके पूजा करो ना। मैं मोहिनी पिशाच को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें क्या है मालूम है? मोहिनी पिशाच को वश में करने की शक्ति इसमें है। ललित के बारे में कुछ पता लगाया? मैं सब कुछ जान गई हूँ। ललित को किसने मारा है वो भी जान गई हूँ। ये बूढ़ी माँ हमारे साथ ही है, जो हम कहेंगे वही करेगी। वो कहाँ है वो यही हमें बताएगी। रात का भोज का ताजा मांस, जवान मांस नहीं मिलेगा? होता तो अच्छा था। बोलो मेरी जान, जो तुम्हें पता है वो मुझे बताओ। उसका घर कौन सा जानती हो? मुझे लगता है 7 नंबर। ये देखो यहाँ है। जो गायब हो गया वो दरवाजा कैसे खोलेगा? तो अब क्या करें? ये विचित्र काम तुमने कहाँ से सीखे? इतना भी नहीं सीखा तो जिंदगी जीना बेकार है। तुम्हारे कहने के मुताबिक उसे कोई मोहिनी पिशाच उठा ले गए होंगे? मैं भी ठीक तरह से नहीं जानता, उसी को तो पता लगाना। महसन मेरी बेकर का कस्टमर था, भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो मर गया। यहां से कोई अजीब बदबू आ रही है। हेलो, अंदर कोई है क्या? क्या देख रहे हो? नहीं, तुमने देख सकती। महसन का पालतू खरगोश, इसका नाम फ्रैंक था। कितना खूबसूरत था मालूम है? किसने मारा होगा इसे? अब हमारा प्लान क्या है? इस बीच तुमने मेसन के भाई जैकब से बात की क्या? मुझे बात किए बहुत दिन हो गए। आजकल वो विल्ली के साथ रहता है। विल्ली के साथ? वैसे विल्ली से मिले बहुत दिन हो गए। वो ठीक तो है ना? या हैंसल, तुम हमेशा हमसे दूर ही रहते हो, कम से कम अब तो हमारे साथ रह सकते हो। विली जैकब के साथ उसके घर ही रहती है? हाँ। लगता है वहां कोई है। तुम डरो मत। तुम लोग यहां पर आए हो, लेकिन क्यों आए हो? वो तुम्हें खा जाएगी। तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुझे भी खा जाएगी। भाग
भाग यहाँ से। वो बुढ़िया पागलों की तरह क्यों बोल रही है? उससे हमें क्या लेने देना। वैसे उनका नाम क्या है? मुझे लगता है कि मैंने पहले भी उन्हें कहीं देखा है। मिसेस क्लेमा। वो मिसेस क्लेमा है क्या? हमारी स्कूल टीचर। हाँ वही। वो ऐसी क्यों होंगी? वो शायद पागल हो गई होगी। हे, कौन हो तुम लोग? ग्रेटल, हैंसल, आप लोग? हाय जेकब। हाय, कैसे हो जेकब? तुम्हारा भाई कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं उसकी मौत नहीं हो गई है जेकब? नहीं, जीना मरना हमारे हाथ में थोड़ी है। ऐसा होगा हमने सोचा भी नहीं था। डार्लिंग, मैं शॉपिंग जा रही हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए बताओ। ओह हाय, आप सब लोग जेकब? ये मेरे दोस्त हैं। ऐसा क्या, इतने दिनों कहाँ पर थे? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, आप भी रहिए ना। अभी तक मेरे भाई का कुछ पता नहीं चला। एक वो ही नहीं, कई लोग गायब हैं। जैसे सब लोग बोल रहे हैं मोहिनी पिशाच है, ये आप सब लोग मानते हैं? उन पर भरोसा करना होगा। मैं दावे से कह सकता हूँ कैसे कई पिशाच हैं जो हमारे आगे पीछे बुरी तरह घूम रहे हैं। अरे ये क्या कह रहे हो तुम, पिशाच हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं? वो सब पिशाची हैं, लेकिन कईयों में शक्तियाँ नहीं है। ललित तो एक मामूली औरत थी, या फिर उनमें शक्तियाँ थी मुझे पता नहीं। बहुत सारी शक्तियों वाली पिशाच को संभालना बहुत ही मुश्किल है। वैसे पिशाच अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके किसी भी तरह इस संसार को अपनी मुट्ठी में रख लेना चाहती है, सबको काबू करके अपना अधिकार जमाना चाहती है। और उन दुष्ट पिशाचों का आहार है मानव का मांस। दया करके आप मेरी बात मानिए, मैंने ऐसे केस बहुत देखे अपनी जिंदगी में। ओके, अगर ऐसा है तो इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है, मैं समझती हूँ। ऐसा सोच के हम चुप तो नहीं रह सकते ना। तुम्हें लगता है कि मेरे भाई को और बाकी लोगों को वो पिशाची उठा के ले गए क्या? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। देखने में मैसन मोटा तगड़ा था, इसलिए खाने के लिए पिशाच उसे उठाकर ले गए होंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। मतलब तुम इसको मानते हो? मेरा तो यही मानना है। मुझे भरोसा नहीं है। अब तुम्हें कैसे भरोसा देना, बोलो। मेरी बात मानो, मेरा भाई नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका पता लगाने के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी साथ चलूंगी। तुम क्या करोगे अगर? तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैसन मेरा भी दोस्त है। नहीं, तुम्हें नहीं आना चाहिए, बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, जान भी जा सकती है। तुम उन्हें मत डराओ, वो अगर हमारे साथ आएंगे तो सबकी मदद होगी ना। हैंसल, तुम मुझे आने से मत रोको। कब चलना है बोलो। गैस लीक हुई थी, ये जगह वही है। लगता है तुम्हें सब मालूम है। सबसे पहले बॉडीज यहीं मिली थी। बहुत लोगों को मार के खा लिया। जैसे तुम्हें पता है वैसे बोल रही हो। ऐसी बातों में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है। ऐसा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है। कहीं भूमि के अंदर तो नहीं? भूमि के अंदर होंगे कहकर कहानी बना रहे हो क्या? पलक झपकते ही वो सब भूमि के अंदर चली जाती हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या सच बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सच, क्योंकि यहाँ सिर्फ दो ही चांस लगते हैं। एक, ललित जिंदा होना चाहिए, उसी बात पर मुझे ज्यादा विश्वास है। नहीं तो दूसरी पिशाच उसकी जगह लेकर उसे फिर बचा रही है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हमें संभल के रहना होगा। यहाँ कोई पिशाच है ऐसा लग रहा है मुझे। चलो यहाँ छुप जाते हैं। वहीं पे ठहरो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? कौन है वो पिशाच? है, हमें मारने आई है। अंधेरे में कोई नजर नहीं आ रहा। तुम यहीं रहो। तुम कहाँ जा रहे हो? आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी चलो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ।
इन्हें तुम जानते हो? ये मिसेस क्लेमा है, हमारी स्कूल टीचर थी। डाइन में बदल गई क्या? मुझे भी यही लगता। मिसेस क्लेमा हमें ही क्यों मारने आई थी? उन दुष्शक्तियों ने इनको अपने काबू में करके हमारे ऊपर उपयोग करने की काफी कोशिश की, और वो भी इनकी जानकारी के बिना। ग्रेटल कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हम इसी को तो ढूंढ रहे थे। मुझे क्यों बांध कर रखा? आखिर तुम कौन हो? लिलित का क्या किया तुमने, बताओ हमें। लिलित? उसको तुमने ही मारा है, लेकिन क्यों मारा? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। तुम झूठ बोल रही हो। मुझ पे शक मत करो, तुम जैसा समझ रहे हो मैंने उसे बिल्कुल नहीं मारा है। क्या किया तुमने, अब तो सच बताओ। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसे नहीं मारा है, मेरे भाई हैंसल ने मारा होगा। अपने भगवान की कसम खाकर बोलो। क्योंकि वो मेरे भाई को जलाकर खा जाना चाहती थी, लेकिन मेरा भाई भाग निकला। ये झूठ बोल रही है, उसे जरा बोलने तो दो, शायद उसके बाद सच निकले। मेरा भरोसा करो, तुम लोग जैसा कहोगे मैं करूँगी। अगर तुम निरपराधी हो तो प्रूफ करके दिखाओ। मेरे बंधन खोलो। तुम्हारे भाई ने ललित को मारने की कोशिश की थी, ये तुम्हें पता है? अपने भाई का सर लाओ। तुम निरपराधी, तुम उस पर भरोसा कर रही हो? क्योंकि इसको मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। तुमको जो मौका दिया है उसका फायदा उठाओ। अगर हमें धोखा दिया तो जीते जी खा जाएंगे तुम्हें। मेरा भरोसा करो। तुम बहुत होशियारी से काम कर रही हो। वहाँ से अगर निकलना हो तो दूसरा रास्ता नहीं है। हिम्मत से काम लो। अपनी सेहत का ख्याल रखना दादी माँ। थैंक यू, बाय। दादी माँ, मैं तुम्हें फिर फोन करता हूँ। ओके, गुड नाइट। घर तक नहीं पहुँची। उस समय तक हमारे साथ थी, अचानक कैसे गायब हो गई वो? मिसेस क्लेमा के रूप में जो डायन आई थी वो ग्रेडल को उठाकर ले गई होगी। कौन ले गया होगा उसे? लिलित के लोग ही होंगे। लिलित के लोग? लिलित की मौत का बदला लेने के लिए वो लोग उसे बेकरी में लेकर गए होंगे। जरा ध्यान से चलाओ भाई। हैंसल, हमें तो राइट में जाना था। पहले तुम लोग को मुझे तुम्हारे घर ड्रॉप करना। क्या? नहीं, हमें क्यों घर पे ड्रॉप कर रही हो? हम भी तुम्हारे साथ। तुम्हारा वहाँ आना बहुत खतरनाक है, समझ लो। इसीलिए कहता हूँ कि मैं अकेले जाऊँगा। अगर अकेले ही जाना है तो पुलिस को साथ लेके जाओ। मुझे उसकी जरूरत नहीं। सुनो हैंसल, ग्रेटल को कुछ नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो हम सबसे ज्यादा होशियार और अकलमंद है। हम उसे किसी तरह ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, वैसे तुम लोग घर पे ही रहना, बाहर मत निकलना। आओ चलो, हम लोग घर में आराम करते हैं। गुड लक। थैंक यू। आओ चलो, चलते हैं। बाय। एक मिनट रुको, मेरी बात को गौर से सुनो। तुम दोनों की सलामती चाहता हूँ मैं उसी में खुश हूँ। तुम हमारी फिक्र मत करो हैंसल, तुम संभल के जाओ। जल्दी आना, हम तुम्हारी राह देखते रहेंगे। ओके, मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन एक मिनट रुको, इसे अपने पास संभाल के रखो। क्या है ये? जब तक ये तुम्हारे पास होगा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हैंसल, मुझे इन चीजों में भरोसा नहीं है। हम संभल के रहेंगे, तुम अपने आप को संभालना। ओके, चलती हूँ, बाय। एक मिनट हैंसल। बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, लेकिन वैसा व्यवहार तुमने मेरे साथ नहीं किया। तुम जैकब के साथ बहुत खुश हो, इसलिए मैंने पुरानी बातों को नहीं दोहराया। हमारे बीच कोई संबंध था, मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया। कोई बात नहीं, मुझसे तुम्हारा प्यार अभी तक कम नहीं हुआ। ठीक है, आगे से भी तुम ऐसे ही रहना, मैं तुम्हें हमेशा चाहती हूँ। बाय। क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या अभी तक गए नहीं? शायद अभी जाने।
कौन? डरो मत, मैं ही हूँ। तुम यहाँ अचानक डर गए थे क्या? चलो निकलते हैं, सुबह से पहले वापस आना होगा। मुझे लगता है कि तुम बिली के साथ रहते तो अच्छा होता। जेकब, जेकब कहाँ हो तुम? जेकब तुम बोलते क्यों नहीं? बिगड़ा हुआ खून है। ठीक है, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू रिमी। रिमी बोल रही है कि कल रात हमारी बेकरी में ग्रेटल को देखा था। ऐसा हो ही नहीं सकता दादी माँ, क्योंकि हमने उस जगह को अच्छी तरह से ढूंढा था। वही नहीं, हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नजर नहीं आई वो। दोनों को बंदी बनाया है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम ही देख लो। देखो किस तरह बांध के रखा है उनको। हाँ, वो जगह कहाँ है हम दोनों को ढूंढनी पड़ेगी। अगर हम तुरंत नहीं गए तो उन दोनों को खतरा हो सकता है। आओ निकलते जल्दी। नहीं, मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा। विली, विली मुझे भरोसा नहीं हो रहा, घर के अंदर घुसकर उठाकर ले गए। एक मिनट, उस सेल में जो फोटो है दिखाना। देखो कम ऑन, ये जगह कहाँ है मैं जानता हूँ। आओ चले। वो लोग बहुत मुसीबत में है, जितनी जल्दी हो सके हमें उन्हें बचाना होगा। ये देखो, अच्छी तरह देखो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोनों को मिलाओ। अब भी तुम नहीं समझे? इससे पहले कभी बंदूक चलाई है क्या? आज तक तो नहीं। इसे रख लो। ये घबराओ मत, जिस तरह बैग घुमाते हो उसी तरह घुमाना। लगता है तुम इन्हें बहुत इस्तेमाल करते हो। वो सब ठीक है, तुम्हें क्या करना है वो बताता हूँ मैं। मैं पहले जाऊंगा, तुम मेरे पीछे आ जाना। तुम उन दोनों को छोड़ के कोई भी सामने आ जाए तो मार देना। एक बात का ख्याल रखना, कहीं गलती से मेरे सर पे गोली मत आग देना। तुम बिल्कुल मत डरो, इनका कैसे इस्तेमाल करना मैं नहीं जानता। वैसे कुछ होगा नहीं, बस सेफ्टी के लिए रख लो। जितना हो सके उन्हें मैं ही संभालूंगा।
चलो चलते हैं, लेकिन होशियार रहना। लगता है तुम्हारा हीरो तुम्हें बचाने यहाँ आ रहा है। तुम सुंदर हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगर वो यहाँ आएगा तो मैं तुम्हें क्या छोड़ दूंगी? तुम्हारे खून की खुशबू बहुत अच्छी है। उन्हें कुछ मत करो। किसी का झूठा खाने की आदत शायद तुम्हें नहीं है, ऐसा लगता है। बिल्कुल है, नहीं है तुम कैसे समझती हो? चलो मुझे बांध दो, वो लोग आ रहे हैं। ठीक है, बांधती हूँ। संभल के, वो यही कहीं है, हमें होशियार रहना पड़ेगा। बिल्कुल, हमारे आसपास ही ऐसा लग रहा है। आओ उस तरफ चलते, मेरे पीछे ही रहना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा। आवाज मत करो। ओके। वो इतना भी है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हैंसल कहाँ हो तुम? उनकी आवाजें सुनाई दे रही है। इसे तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ, ये एक वॉचमैन है, हमारे एरिया में ही रहता था। वो हमारे साथ खेल रही है, जान पहचान लोगों को हमारे ऊपर उपयोग कर रही है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, चलो उनका अंत देखते हैं हम। को अटैक कर रहा। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो उनको ढूंढते हैं। आओ चलो। देखो वो दोनों यहीं पर है, तुम ठीक हो ना? तो मुझे यहाँ से निकालो। हे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? बोलो बोलो बिल्ली बोलो। उस टाइम ने इसे मार के बेहोश किया है, वो बिल्कुल होश में नहीं है। ये कब? इसे काटो रस्सी को। थैंक यू। चलो मत, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। बहुत डर लग रहा है, हम तुरंत निकल जाएंगे यहाँ। अब हम क्या करें? किसी तरह बाहर निकलना होगा। नाक बंद कर लो सब लोग। हैंसल, ये धुआं जहरीला तो नहीं? ये धुआं जहरीला नहीं है। हाँ ये मामूली धुआं है। चलो चलो निकलो। आज मैं
तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। ओके, सब लोग इकट्ठे होकर उस दीवार के पास खड़े हो जाओ। वो कहीं दिखाई दे रही है तुम्हें? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरे सामने आओ। मैं आऊंगी तब भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगा। तुम यहीं रुको। नहीं, हमें छोड़ के मत जाओ। भैया की मदद कर कर आती। तुम मत जाओ। जैसा कहती हूँ करो, यहीं रुको। और तुम किसी भी हालत में मुझसे बच के नहीं जा सकती। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बिली कहाँ है? बिली, अब तुम कैसी हो? ठीक हो ना? हैंसल, यहाँ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ग्रेटल कहाँ है? ग्रेटल, अभी आती हूँ। चलो, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। चलो। हाँ चलो, निकलो जल्दी जल्दी। मुझे घर ले चलो जल्दी। मेसन, अब बाकी लोगों को हम खोज निकालेंगे क्या? वो सब तो कब के मारे गए हैं। क्या कहा तुमने? कहने का मतलब मर गए होंगे। वैसे हम तो इन दोनों को बचाने के लिए आए थे ना। तुम लोगों को किसने किडनैप किया कुछ जानती हो क्या? और यहाँ पर कितने पिशाच कुछ पता चला? हमने तो सिर्फ एक ही पिशाच को देखा। ठीक है, हमने एक ही पिशाच को देखा है, लेकिन हमारे चारों तरफ बहुत सारे पिशाच हैं, समझे तुम? उन सबको टपकाना होगा। मुझे जहाँ बांधा था वहाँ पर भी एक पिशाच थी। वो मर्द या औरत थी वो मैं जान नहीं सकी। हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहना होगा। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। चलो संभल के। चाबी देना मुझे, वहाँ जाके टाउन मैप देखना है मुझे, तभी किडनैपर्स की पहचान कर पाऊंगा। बेकरी से तो तुम्हें नफरत थी ना? बेकरी से हमेशा नफरत रहेगी, लेकिन काम है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। वैसे तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकावट है। देखो, तुम्हारा भला बुरा देखना मेरा कर्तव्य है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बेझिझक बताओ, समझ गई ना? समझ गई, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, तुम्हारे अंदर कुछ चेंज लग रहा, इसलिए मैंने पूछा तुम्हें क्या हो गया। वाह, लगता है आजकल तुम हमें समझने लग गए हो। चने की झाड़ पे मत चढ़ा मुझे। इतने दिनों तक मैंने तुम लोगों का ख्याल नहीं रखा, कम से कम अब तो तुम लोगों का ख्याल रखने का मुझे मौका तो दो ना। हो, थैंक यू। इट्स ओके। आते वक्त बेकरी को लॉक करना मत भूलना। बिल्कुल क्रेडल। लगता है भाई शक कर रहा है। क्या सोच रही हो? अब तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती। मैं छुटकारा पाना नहीं चाहती। आरी शक्तियाँ, जब तक तुम काबू नहीं कर लेती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश की तो तुम्हें मार डालूंगी। Yeah.
हमारे साथ ही धोखा किया तुमने। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैं तुम्हें चीर कर कौवे और चीलों को डाल दूंगी और इसी तरह तुम्हारे भाई को भी मार कर तुम्हारे कुकर्मों का बदला लूंगी मैं। पहले मेरी बात तो सुनो, मेरा भाई उसे मारना नहीं चाहता था, वो सब अचानक हो गया। अगर वो अचानक था तो मेरा तुम्हें मारना भी अचानक समझो। चाहो तो मैं तुम्हें अपने भाई के पास ले चलती हूँ। उसके लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है। हैंसल तक कैसे पहुँचना है ये मैं अच्छी तरह मेरे भाई को मारना चाहती हूँ तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं तुम्हें अपने भाई से मिलाऊंगी, बताऊंगी तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारे पास से ऐसी बदबू क्यों आ रही है? मुझ पे शक मत करो, मैं भी तुम जैसी हूँ। क्यों भैया, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? मेरी फ्रेंड तुमसे मिलना चाहती थी इसीलिए लेकर आई हूँ। आई एम सोर्से। हाय, नाइस टू मीट यू। तुम अंदर जा सकती हो ग्रेटल, तुम्हारे खूबसूरत भाई से जरा बातें करनी है। ओके। ग्रेटल, तुम्हारे मेरे बीच में सीक्रेटली डील करने के लिए बहुत सारी बातें हैं हैंसल। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मेरी आंखों में रोशनी नजर आ रही है ना? आ रही है। मैं खूबसूरत हूँ ना? खूबसूरत हूँ। मेरे साथ अकेले गुजारना चाहते हो ना? नहीं। तुम दिखने में हैंडसम लेकिन कठोर दिल के हो, क्यों है ना? ऐसा क्या, कैसे कह सकती हो? कई लक्षण हैं वैसे, वो क्या है जानना चाहोगे? बता। क्योंकि तुम मेरे दोस्तों को मार रहे हो, यू नॉटी नॉटी गाय। आई एम सॉरी। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, पर इट्स ओके। सच कह रही हो? उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। क्या करना होगा? मेरे खातिर तुम्हें अपने को काटना होगा। कहाँ काटूं मैं? वो तुम्हारी मर्जी। कितनी अच्छी तरह काटा है। अब तुम्हें खुशी मिल गई ना? हाँ बिल्कुल। अगर तुम एक और काम करोगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। बताओ क्या करना है? मेरे लिए तुम्हें मरना होगा। वैसा करोगे स्वीटहार्ट? तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। तो जल्दी करो, मेरे खातिर तुम्हें मरना होगा। अब जल्दी मर जाओ। ये सब क्या है? तुम जैसा समझती हो वैसा नहीं होगा। हैंसल, इसने मेसन को मारा था, तुम इसे मार डालो। कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ? उसने हमें धोखा दिया है, वो एक डायन है। उसने जादू मंत्र करके कुछ किया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तुम जाके जैकब और विली को फोन करो और उन्हें यहाँ आने के लिए बोलो। तुम सच बोल रहे हो? हाँ, वो भी अगर यहाँ रहेंगे तो अच्छा होगा। ओके भैया, अब इस लाश का हम क्या करें? फिर शिकार पे जाना होगा क्या? क्यों, कोई डाउट है? तुम्हें सब मालूम होते हुए मुझसे क्यों छुपा रहे हो? जेकब, कैसे कह सकते हो? मेरे भाई के गायब होने से पहले उसने तुमसे बात की थी, ये पता चला है। इसका मतलब वो जिंदा नहीं है क्या?
अगर वो जिंदा ना भी हो लेकिन उसकी बॉडी मुझे चाहिए। डायनो ने उसे खा लिया होगा। हाँ जेकब, तुम्हारे भाई की लाश मिलना बहुत मुश्किल है। इंसान का मांस खाने वाली मोहिनी पिशाच यहाँ वहाँ घूम रही हैं। इन सब का हमें अंत करना ही होगा। तिलचट्टा दीवार में देखो तो एक ही होता है लेकिन अंदर पूरे भरे होते हैं। एक ही दिन में दो दुष्ट पिशाचों को मारा हमने। मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी बहुत सारी पिशाचें होंगी। उनका पता लगाना होगा तो हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, किसी भी हाल में उन सबका अंत करना ही होगा। ग्रेटल, भलाई इसी में कि तुम कहीं दूर चली जाओ, जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब तुम चली आना। वो मुझसे नहीं होगा भैया, यहाँ बेकरी और दादी माँ को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। जेकब, मुझे घर जाना है, मेरे साथ चलो ना। आओ चलो। नहीं, मैं यही रहूंगा, तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात गौर से सुनो, कोई यहाँ अकेले नहीं रहेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं उसे ड्रॉप करके तुरंत लौटता हूँ, तुम संभल के रहना। ओके। वाओ, बहुत स्वादिष्ट है। मर्दों की जरूरतमंद चीजें इसमें हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए पता है? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत पसंद आई है, तुम बहुत सुंदर हो। सच में? मैं जरा तुमको छूकर देखूं? तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा मना किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच बोल रही हो? बिल्कुल, तुम्हारी खूबसूरती मुझे तुम्हारी ओर खींची चली आ रही है। तुम्हारी आंखों में एक नशा है मेरी चांबास, थोड़ा नजदीक आओ ना। नहीं, मुझसे नहीं होगा। इतने में ही शर्मा गए क्यों? मैं तुम्हें सिखाऊं क्या? नहीं, मुझे मत सिखाओ, मैं उसके लायक नहीं, मैं गे हूं। तुम वैसे आदमी हो। यहाँ बहुत आत्माएं हैं, उनका अनुभव मैं कर रही हूँ। लिलित की आत्मा भी यहीं पर है, वो आवाजें मेरे कान तक आ रही हैं। उनमें से एक है क्या? मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन मैं लिलित के बारे में कुछ नहीं बता सकती। वो तो मर गई है ना? नहीं, हाँ शायद, नहीं। एक मिनट, यहाँ कुछ हुआ है। तुम सच बताओ। उसे वो जिंदा नहीं है। क्या कहा? उसके मरने की आहट सुनाई दे रही है, उसका खून एक मोहिनी पिशाच के रूप में बदल गया है। So, इस काम के बाद तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है? वैसे मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया। वैसे मैं सुबह सुबह उठ के पूरा पेपर अच्छी तरह पढ़ता हूँ, लड़कियाँ या फिर औरतें नजर नहीं आ रही हैं तो उसकी छानबीन करता हूँ। सुनने में अच्छा लगता है। सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन कोई इतनी हिम्मत नहीं करेगा। उसके लिए पुलिस तो जरूर होगी ना? इसके अलावा तुम्हारी और किसी चीज में इच्छा नहीं है क्या? यानी रिलैक्स, रोमांसिंग? सच कहूँ तो उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं।
वैसे इतना काम है, समय उसी में निकल जाता है। जो बीत गया उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? सच बताऊं तो उसके बारे में मैं कब की भूल चुकी हूँ। उन सबको बुलाकर बस मैं किसी तरह जी रही हूँ। शायद मेरी किस्मत ही खराब है, इसीलिए मैं उसके बारे में सोचती नहीं हूँ। हैंसल, सच कह रही हो? या जो बीत गया उसके बारे में सोचना ही बेकार है, आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, जिंदगी सुधर जाएगी। अब तक जो हुआ वो किसी तरह हो गया समझो, आगे जो कुछ भी होना है वो मेरे हाथों में नहीं है समझो। तुम क्या कहते हो? ओके, मैं चलती हूँ। ठीक है, यहाँ का काम खत्म होने के बाद तुम मेरे साथ आ सकती हो। कहाँ पर? कहीं भी। उन पिसाचों को मारने के लिए? हाँ, इसके बारे में सोच के बताऊंगी। सोच लो, मैं इंतजार करूंगा। ये पार्सल कैसा है यहाँ? उसमें क्या, मुझे क्या पता, खोल के देखो ना। वैसे किसने भेजा होगा? कहाँ से आया है? ओपन करो। ग्रेटल, तुम ठीक तो ना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सुनो, यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम? वो लोग जेकब को उठा लगे। क्या कहा, मैं तो उसी समय निकल गई थी। जेकब, उसकी हालत ठीक नहीं है। मुझे वहाँ से आए तो 20 मिनट हो गए। पहले जेकब का रुको, क्या हुआ? रुको, मैं पता लगाता हूँ ना, रुको। यहाँ से चले जाते हैं। ग्रेटल, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम दुकान बंद करके घर जाओ, दादी माँ के साथ ही रहना, बाहर मत निकलना, समझ गई ना? ओह गॉड, मुझे डाउट था कुछ ना कुछ होना ही है। बिली, जेकब ने मुझे एक सीक्रेट बताया था, रूडी रेमोरा कैनवुड स्ट्रीट में उसे पकड़ कर मारा था, मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। ए, ए, मुझे डर लगता है। दरवाजा बंद करके अंदर बैठ जाओ, मैं भी आता हूँ। नहीं, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, डरो मत, चलो मेरे साथ, हिम्मत से काम। जगह कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा वहां कुछ लिखा है, मैं देख के आता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तुमने जो गलतियाँ की है उसका हिसाब चुकाना होगा तुम्हें। ये सब किसने किया होगा? मुझे लगता है कि हमें डराने के लिए सो लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से जैकब को कुछ भी नहीं हुआ होगा। सच कह रहे हो? वो जिंदा होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बोलो। चुमाशही। क्या कहा? वहाँ बहुत सारी झोपड़ियाँ होती हैं। टीपी गांव में जाना होगा। वो जगह कहाँ है कि? हाँ, चलो। याद आ गया, चलो। सतोनिया, तुम कहाँ हो? तुम चिल्लाओ मत, तुमने जैसा कहा मैंने किया। ले लो, अपने भाई को मार के लेकर आई हूँ। मैं भी डायन हूँ, अपनी रानी को बोल दो।
जेकब हमें यहीं मिल जाएगा ना? अगर मेरा शक सही निकला तो जेकब को यहीं कहीं होना चाहिए। तुम भी ध्यान से ढूंढो उसे। जेकब? ऐसा नहीं लगता वो यहाँ है। अशुभ बातें मत करो, वो यहीं कहीं होगा। तुम उस तरह ढूंढो उसे। जेकब? हैंसल? क्या? उसने जैसा कहा कर दिखाया। कम ऑन ग्रेटल, फोन उठाओ। फोन नहीं उठा रही। आओ। फोन नहीं उठा रही क्या? वो फोन नहीं उठा रही है, मुझे डर लग रहा है। हम लोग ठीक जगह पर ही है ना? वहाँ लिखा है सैन फ्रांसिस्को, इसलिए हम यहाँ आए हैं। उसे फोन लगाते रहो। हैंसल जरा इधर देखो। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम कहाँ जा रहे हैं? सांप की पूंछ पकड़ने से बेहतर है कि उसका सर दबोच लो। क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि जहाँ पे आरंभ हुआ था वहीं पे उसका अंत भी होना चाहिए। वहाँ कुछ है, चलो देखते हैं। तुम जानते हो उसने मुझे धोखा दिया है, उसे पछताना पड़ेगा। तुम जैसे को जीवित नहीं रहना चाहिए। चलो मिली, चलो उस पेड़ के पीछे जाके छुप जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़। तुम सबकी मौत कितनी भयानक होगी देखना। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते। तुझे कैसे मारना मैं जानता हूँ। हैंसल, हैंसल, इसे पकड़ो। हैंसल, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, चलो यहाँ से भागते हैं, चलो। आप लोग कहाँ जाएंगे? तुम्हें देखते हुए दया आ रही है। बड़ी पीड़ा हो रही है क्या? बिल्कुल, पूरा अनुभव करो। दादी माँ, तुमने मुझे अच्छा उल्लू बनाया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। मुझसे पंगे मत लो, तुम्हारे वजह से ही सब मारे गए, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ। मेरी दादी माँ को छोड़ो। ग्रेटल, अब सब समझ में आया। तुम्हारे सामने जो भी आया सबको तुमने मार डाला। नहीं, मैं तो बस उन्हें बचाने गई थी, इतने में ही वहाँ सब कुछ हो गया। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं करूँगी, तुमने जान पूछ के उसे मारा है। मैं तुम में से एक हूँ, मेरा भरोसा करूँ। तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो ग्रेटल? आखिर तुम्हें क्या हुआ बेटी? तुम चाहती हो कि मैं तुम पे भरोसा करूँ? तुम्हें भरोसा करना ही होगा। तो साबित करके दिखा। मैं साबित कर देती हूँ। मेरी प्यारी दादी माँ, तुम मुझे माफ कर दो। यहाँ से भाग जाओ। तुम मुझे पसंद करती हो ना? तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो।
तुमने मुझे पाल पोस कर इतना धैर्य दिया और अब भागने को कहती हो। वो तुम्हें मार डालेगी इसलिए मैं डर कर कह रही हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी दादी माँ, भले इस जन्म में नहीं अगले जन्म में। बिल्कुल बेटे। ग्रेटल! ओह माय गॉड! तुम भी आ गए? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह माय गॉड! जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। तुम्हें दादी माँ को मारने की नौबत क्यों आई? वो सब अब मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, अगर बताऊंगी तो तुम नहीं समझ पाओगे। उठो, उठो ना। उसे अभी कुछ नहीं होगा, उसने अभी बहुत काम करने हैं। अब तुम्हें ढूंढते हुए हमारे सब लोग आएंगे, उनको क्या जवाब दोगी? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मेरा स्वाद चखना चाहती थी ना, अब चखो। अब बहुत हुआ। क्या कर लोगी तुम? तुमने जो कुछ भी किया है उसका हिसाब चुकाने का दिन आ गया। पहले तुम अपनी जुबान बंद करो, मैं जैसा कहती हूँ वही करो, यहाँ बहुत कुछ करना बाकी है। मैं जो कह रही हूँ वो समझ रही हो ना? मंत्र वाली अंगूठी दो मुझे। गुड। हमें इसी वक्त शमशान जाना होगा, तुम इन दोनों को लेकर आओ। शमशान में तुम क्या करोगी? वहीं आकर देखो, पता चलेगा। कुछ दिखाना चाहती थी ना मुझे? तुम ही से पूछ रही हूँ, बिना बोले जा रही हो? तुम जैसा मैं क्यों करने वाली हूँ? मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। लिलित को देखने का मन कर रहा है? तुमने तो उसे मार डाला था। मिसेस क्लैमी, लिलित की समाधि में ही इसको दफनाया था ना? हैंसल, तुम ठीक तो हो ना? परफेक्ट। ग्रेटल, वाओ, होश आ गया ना? अब जो यहाँ हो रहा है उसे अपनी आंखों से देख लो। बिली, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ग्रेटल, तुम ये सब क्यों कर रही हो? रक्त संबंध और दोस्ती के संबंध के बीच का है ये संबंध, समझ गए ना भैया? इसका मतलब तुम भी उन पिशाचों से मिल गई हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ी अलग हूँ। अब मैं जो करने जा रही हूँ उसे देखोगे तो सब कुछ समझ जाओगे भैया। सॉरी, मैं जल्दी आना चाहती थी लेकिन मेरे अंदर जो शक्तियाँ थी वो कम थी। अब उन डायनों का खून पीकर भरपूर शक्ति लेकर तुम्हें अब जगाने आई हूँ। ओम क्रीम भगवती, ओम क्रीम भगवती, आई एम क्रीम वशीकराया, ओम क्रीम वशी वशी वशीकराया, भूत प्रेत वशी वशी वशीकराया, अघोरम अघोरम। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। तुम्हारे इन मंत्रों से कोई बाहर नहीं निकलने वाला। सब मोहिनी पिशाचियों, वो शुद्र शक्ति आप मुझे दो। अघोर शक्तियों को जिसने बस किया है वो शक्ति, मेरा नाम खराब ना हो जाए इसलिए तुम बाहर आओ, बाहर आओ। अब इतनी देर क्यों लगा रही हो? बाहर आओ। Ah.
नहीं निभाई और तुम्हें पद भी चाहिए? नहीं, अब मेरे पास कोई शक्तियां नहीं बची हैं। आज तक मैंने इस साम्राज्य को बचाने की कोशिश की। साम्राज्य को हड़पने की तूने कोशिश की जिसके तू लायक नहीं है। तेरा खेल खत्म। मेरे पास आ मेरी जान, मार डाल। तुम्हें जरूर नरक नसीब होगा। तूने ये बिल्कुल ठीक किया। उसका शरीर लेके आ, उसका खून पी के मैं अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। उसकी शक्तियाँ कब की नष्ट हो? विली, उठो, जल्दी उठो, यहाँ से हमें निकलना होगा। उठो। बिल्ली, तुम्हारी बिल्ली कब की मर चुकी है हैंसल? मैं कौन हूँ तुम्हें? हे लिलित, हेलो, ग्रेटल, बहुत हुआ, ये सब बंद करो अभी। पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब तुम्हारा काम नहीं है, मैं जानता हूँ। लिलित तुम्हें नचा रही है, मेरी बात सुनो। दुष्ट शक्तियों का प्रयोग करना बंद करके मेरे साथ चलो तुम। यहाँ लिलित वगैरह कोई नहीं है। इन मोहिनी पिशाचिनों की राही बनकर अब सिर्फ मैं ही हूँ। तुम कहाँ हो? ये मत करो, मेरे सामने आओ। तुम मोहिनी पिशाचिनियों की रानी हो, मेरी नहीं। मेरी बात सुनो, रुक जाओ वरना मार दूंगा। तुम्हें मानना नहीं चाहती लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई है। तुम्हारा खेल खत्म समझो। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। शुक्रिया। वो मोहिनी पिशाच तुम्हारे अंदर से चली गई, अब तुम अपने असली रूप में लौट रही हो। जो कुछ हुआ वो सब डिटेल में मैं पुलिस को बता दूंगा। चलो बेटा, उठो। आओ, आओ।
आज के बाद से तुम दुष्ट शक्तियों के बारे में सोचना ही मत, आराम से। हाँ।